नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सवाल यह है कि क्या अमित शाह का डर, रसूख, रुतबा खत्म हो चुका है? अमित शाह का मनाना और धमकाना दोनों बेकार हो जा रहा है। मनाने और धमकाने के बावजूद भाजपा ही बीजेपी को निपटाने पर आमादा है। इस चर्चा में हम कई स्टेट्स को लाइन और भाव एक एक करके एक एक परत खोलेंगे, हटाएंगे। भाव को जोड़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं 1.5 से 2 मिनट के भीतर कुछ फैक्ट्स तथ्य, क्योंकि हम लोग हवा हवाई बातें नहीं करते न्यूज लॉन्चर पर, कम से कम ऐसा नहीं, कुछ तथ्य फैक्ट्स रखते हैं, उसको समझिए और फिर मैं सीधा भाव के पास चलूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं और अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा करके वहां लोगों से बात कर रहा हूं, स्थानीय कार्यकर्ता भी मिल जा रहा हूं। प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ में धीरज ओझा विधायक रहे हुए हैं और प्रतापगढ़ में सबसे मजबूत, जो पुराने संघर्ष करने वाले जैसे वन मैन आर्मी टाइप, वैसे प्रतापगढ़ में भाजपा के लिए खुला मंच था। मतलब मंच पे, चुनावी मंच पे, कहीं कमरे में नहीं, चुनावी मंच पे उन्होंने कहा कि हम तो जब भाजपा का कोई नहीं था तब से लड़ रहे हैं और सांसद जी हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को थाने में बिठवा देते हैं। अगर किसी ने गलती भी की है तो उसको कमरे में समझाया जा सकता है, थाने में बिठवा देते हैं। सीधा सीधा उस जिले का जो सबसे बड़ा नेता है, सबसे संघर्ष करने वाला नेता भाजपा का माना जाता है, खुले मंच से बोलता है, क्या संदेश गया? उसके बाद एक महिला कार्यकर्ता भाजपा खुलेआम बोलती है कि मेरे पति की हत्या की जांच नहीं ढंग से हुई, सांसद को जिम्मेदार बता। रायबरेली में अदिति सिंह, मनोज पांडे अभी ऑफिशियली नहीं आए हैं भाजपा में, लेकिन अदिति सिंह हैं। क्या चल रहा है सबको पता है। बस्ती की बात करूं, बस्ती में मैं नाम लेना नहीं उचित होता है, लेकिन फिर भी अजय सिंह के दिल पर क्या गुजर रही है सभी लोग जान रहे हैं। संजय जायसवाल के दिल पर क्या गुजर रही है सभी जान रहे हैं। ये सब मैं विधायकों और पूर्व विधायकों की बात कर रहा हूँ, किसी ब्लॉक और पन्ना प्रमुख की और बूथ प्रमुख की बात नहीं कर रहा। ऐसे उदाहरण। और इसी वजह से सुनील बंसल, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे और अब महासचिव है भाजपा के, पहले उनको अमित शाह ने यूपी भेजा, उन्होंने समझाइश की कोशिश की, मतलब मनाना, बुलाना, पुचकारना, वो चले गए वापस, कुछ फर्क नहीं दिखा। फिर चेतावनी आती है अमित शाह की कि हर विधायक को या हर नेता को लगना होगा चुनाव जिताने, लेकिन चेतावनी भी बेअसर है। भाव कुछ थोड़ा सा बस सैंपल के लिए कुछ तथ्य रखा था। क्या ये मान लिया जाए कि भाजपाई ही भाजपा को निपटाएंगे और अमित शाह की कोई धमकी, कोई चेतावनी, कोई असर अब नहीं होने वाला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, ये संघ से निकली हुई पार्टियां हैं, मतलब जनसंघ से ही भाजपा निकली, तो कुल मिलाकर ये पार्टी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास रखती है और एक विचारधारा के लिए इनके पास कट्टरपंथी है। अब यदि मैं आपको बता दूं कि भाजपा की स्थिति क्या है पूरे देश में, तो ये हास्यास्पद लगेगा आपको कि कभी भाजपा ने ये सोचा नहीं था कि भाजपा जैसी एक विचारवंत, डिसिप्लिन्ड पार्टी इस हद तक नीचे गिर सकती है कि जो 23 भाजपा की उम्मीदवार बीजेपी की नॉमिनी है उनमें से, हाँ, भाजपा के 23 ऐसे लोग हैं उम्मीदवार जो भाजपा या संघ या जनसंघ से कोई ताल्लुकात नहीं, बाहर से है। 11 की 11 तेलंगाना में बाहर से, एक भी ओरिजिनल बीजेपी का नहीं। बंगाल में 10 है। मैं मानता हूं कि यहाँ हो सकता है आपके पास लोग नहीं हो, लेकिन 435 उम्मीदवार जो खड़े किए बीजेपी ने, उसमें 106 बाहर के हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बाहरी लोग कितने हो गए। भारतीय जनता पार्टी में मैं आशीष, मुझे याद है कुशाभाऊ ठाकरे वाला समय याद है, उसके पहले वाला समय याद है जब हम बिल्कुल फील्ड रिपोर्टिंग करते थे दिल्ली में, आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि चुनाव होते थे तो भाजपा के कार्यालय पे कुछ नहीं होता था,
ऐसा नहीं कि चुनाव के लिए टिकटार्थी नहीं थे, कई राज्यों में भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में, हिमाचल में वजूद था उनका, लेकिन ये तय था कि जिले लेवल से नाम आएगा, स्टेट लेवल से नाम क्लियर होगा और केंद्रीय नेतृत्व तो उस पे मोहर लगवाएगा, दो नाम आ गए तो थोड़ा डिस्कस करके उस पे हो जाता था, लेकिन राज्य के जिलों के नेताओं का से था। अभी मुझे बताइए आज की डेट में शिवाय अमित शाह के किसको विश्वास में लिया जाता है? मेरा तो इन्फॉर्मेशन है कि मोदी जी को भी पता नहीं होता कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है, लड़ रहा है। इसके आपके पास सबूत भी हैं शायद, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। सबूत है, पूनम 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 महाजन को टिकट देना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी, नहीं दिया गया क्योंकि अमित शाह जी नहीं चाहते थे। तो ये ऐसी कई चीजें हैं। अब जिस दिन ये बात हुई और ये जो फ्रॉम द हॉर्सेस मोड जिसको हम कहते हैं, तो आशीष जी मेरा सौभाग्य था आप मेरे साथ थे, ताकि कम से कम कोई एक आपके जैसा एक आदमी इंसान हो कि जो कहे कि नहीं भाव झूठ नहीं बोल रहे। तो ये सवाल ये है कि जब आप बाहर के लोग इतने लाओगे तो संगठन असहाय हो जाता है, विचारधारा विपरीत हो जाती है। आज अजित पवार को कैसे बीजेपी वाले ढोएंगे? आज मुशरिफ के खिलाफ कोल्हापुर में जीवन भर संघर्ष करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता आज उसका जिंदाबाद कैसा बोलेगा? तो कुल मिलाकर इन लोगों ने जिताऊ उम्मीदवार ढूंढा, कास्ट फैक्टर ढूंढा। आप कास्ट फैक्टर ढूंढते रहे, जिताऊ उम्मीदवार ढूंढते रहे, धन पशु ढूंढते रहो, बाहुबली ढूंढते रहे, आप इन सारी ढूंढाई में जो आपका कार्यकर्ता था उसको भूल गए। जाति समीकरण ठीक है, आपने ठीक उठाया, जिताऊ उम्मीदवार भी हो सकता है, पैसा भी लगाएगा, लेकिन बूथ पे खड़ा होने वाला कार्यकर्ता पैसों से नहीं खरीदा जाता। जो पैसों से आता है वो फॉर्मेलिटी के लिए बैठा रहता है, वहां पे अपने पैसे लिए बैठे रहे, वो आपके लिए फील्डिंग नहीं करेगा। लेकिन आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं की देखो, जो पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख रहते थे, ये घर घर घूम घूम के घर घर से वोटर निकालते थे अपना, भाई जान चलो, भाई साहब चलो, बहन जी चलिए। ये जो आत्मीयता थी पार्टी के लिए ये समाप्त हो गई है और अंदरूनी झगड़े। दूसरी बात, 2014 के बाद क्या हुआ, पार्टी का संगठन कहाँ है मुझे बताइए? मतलब मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार की जगह मोदी की सरकार होगा और भाजपा की गारंटी की जगह मोदी की गारंटी होगा। जब व्यक्ति पूजा बढ़ने लगती है तो पार्टी समाप्त हो जाती है। कांग्रेस समाप्त इसीलिए हुई थी कि व्यक्ति पूजा बहुत बढ़ गई थी, इंदिरा गांधी के आगे किसी की सोच ही नहीं थी, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा यहां तक बोला गया था। तो जब ये चीजें होगी ना आशीष, तो फिर संगठन चरमरा जाता है। भाजपा में कभी भी, मतलब भाजपा भी चाहते तो संघ चालक कब के प्रधानमंत्री बन जाते? वे सरसंघ चालक को प्रधानमंत्री बनने से किसने रोका? लेकिन संघ ने हमेशा इतनी डिसिप्लिन रखी कि एक संघ चालक बीच में पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेना था तो उनको बोला गया कि आप अपने पद से इस्तीफा देके जाइएगा, जरा भी आपको कुछ करना होगा, और वो चले गए। ये भी संघ के इतिहास में। तो कुल मिलाकर ये जो व्यक्ति पूजा बढ़ गई, और व्यक्ति पूजा बढ़ने से क्या होता है, फिर आदमी तानाशाह बन जाता है, उसको इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि जो मैं कहूंगा वही होने वाला है। और इसी के चलते अमित शाह जी को लगता है कि जो मेरा आकलन है वही होगा, जो मैं चाहता हूं वही होगा, और जो नहीं सुनेगा उसको मैं धमकाऊंगा और मेरे धमकी से सुनेंगे। मैं बार बार कहता हूं एक बात कि गांव से बारात कभी भारी नहीं होती। जब बारात गांव आती है तो पूरा गांव फूल बरसाता है, स्वागत करता है। तो बारात को गलत फहमी हो जाती तो ये हमसे डर गए। वो आदरतिथ्य होता है, वो आपकी आवाभगत होती है, क्योंकि आप दूल्हा हो इस घर, इस गांव के दामाद हो, आप हमारी बेटी बहने आए हो, तो पूरा गांव स्वागत करता है। और जब कुछ बाराती हुड़दंग मचाने लगते हैं गांव में ये सोच के कि ये तो बिल्कुल सेवा में लगे हुए गुलाम है, तो गांव ऐसा पीट पीट के भगा देता है बाहर कि बाराती को कपड़े और जूते छोड़ के जाना पड़ता है, सामान छोड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसा ही है राजनीति में।
यदि कोई व्यक्ति हावी होता है तो एक लिमिट था, अब लिमिट क्रॉस होगी, आप जिसे चाहे ऊपर से थोप दो, आप जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दो, आप जिसका चाहे वजीर खत्म कर दो। तो इस वजह से भाजपा का अंदरूनी, मतलब आज जो महिला ने कहा कि मेरे पति के हत्यारों को भाई आपने संरक्षण दिया, अब उसका पति ने, उसके महिला ने, उसकी चार पीढ़ियां बीजेपी में खप गई होगी जनसंघ। और फिर बीजेपी ने दिया क्या, क्योंकि ये जो विलर डीलर जो है, ये जो अपनी विचारधारा छोड़ के बीजेपी में आए, ये सिर्फ सत्ता के लिए आए या सत्ता के प्रकोप से बचने के लिए आए, ये इनके कभी नहीं हुए भाई। जो अजीत पवार अपने चाचा का नहीं हुआ वो बीजेपी का कहां से होगा? वो जो नारायण राणे को चीफ मिनिस्टर बनाया बड़ा साहब ने, जो उनका नहीं रहा वो, तो कांग्रेस का भी नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस ने उनको लिया मंत्री बनाया, कांग्रेस भी मूर्ख बन गई। अब बीजेपी में उनको लिया, बीजेपी ने मंत्री बनाया, बीजेपी भी मूर्ख बन जाएगी। सवाल है कि आपके जब तक वर्कर की आप इज्जत नहीं करोगे। अब आपने कहा कि एक थाने में किसी ने कह दिया, अब मध्य प्रदेश में क्या हो गया? मध्य प्रदेश में किसने, क्या शिवराज के पहले लोगों ने संघर्ष नहीं किया? पटवाजी, सकलेचा जी, जोशी जी, धारकर जी, इनका कांग्रेस से संघर्ष रहा और रक्तरंजित संघर्ष रहा, इन्होंने अपने सर फुड़वाए। मैं इंदौर में देखता था कैसा प्रकोप था कांग्रेस का और बीजेपी कैसी लड़ती थी। नॉन एसी कंपार्टमेंट में दोपहर की गर्मी में, मई जून में दिल्ली की रैली के लिए महिला मोर्चा जा रहा है इंदौर से, और सुमित्रा महाजन ठंडे मटका लेके अंदर गाड़ी में, वो ट्रेन में बैठी है नॉन रिजर्व में, और सेव परमल खा के पहुंच रहे हैं, ठंडा पानी का मटका अंदर लेके जा रहे हैं। वो संघर्ष था सुमित्रा महाजन का, यूं ही 7-8 बार ऐसे नहीं जीती। क्या किया आपने? 75 साल हो गए, घर बैठ जाओ। ठीक है, घर बिठा दिया, लेकिन एक आत्मसम्मान के साथ। आप कैसे कैसे लोगों को गवर्नर बना रहे, राज्यपाल बना रहे, और राज्यपालों की लिस्ट देखिए आप। क्या सुमित्रा महाजन इस लायक भी नहीं कि वो राज्यपाल बने कहीं किसी बड़े राज्य की? लेकिन नहीं दिया, उसे अपमानित करके घर बिठा दिया। ये बात अलग है कि उसे किसी की अभिलाषा ही नहीं। और मुझे तो और बुरा इसलिए नहीं लगता कि मैं उनको जानता हूं, मुझे बुरा इसलिए लगता है कि जब संघ की स्थापना हुई, जब गोलवलकर गुरुजी ने संघ की स्थापना की, तब कोकण के एक बड़े वकील साठे ने संघ के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, जब संघ वंचित था, संघ बैंड था कई बार, तब भी संघ के साथ खड़ा होने वाला वो परिवार है, और वो साठे वकील कोई नहीं, सुमित्रा महाजन के पिता थे। ये मैंने एक परिवार का बताया क्योंकि मैं जानता हूं, ऐसे अनगिनत में कई परिवार है जिनको कोई जानता नहीं। मैं आशीष एक एक, एक यहाँ पे एक परिवार को मिला, मराठी परिवार, नासिक में रहने वाला परिवार। उस जमाने में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ होना है? बनारस से बड़ा जगह नहीं था सीखने के लिए, इलाहाबाद से बड़ी जगह नहीं थी सीखने के लिए। वो वहां से आया, यहां संघ के कार्यालय में रह के पढ़ा, और वो जो किस्से सुनाते हैं, मतलब अभिभूत होता हूं मैं कि अटल जी आए, अटल जी को कहीं जाना था तो संघ के कार्यालय में एक साइकिल, अटल जी को ये साइकिल पे लेके चले, पीछे अटल जी कैरियर पे बैठे हुए, बीच में रेलवे क्रॉसिंग आया, तो रेलवे क्रॉसिंग पे साइकिल उठा के लेके जानी थी, तो ये साइकिल उठाने लगे सज्जन, तो अटल जी ने कहा एक मिनट साइकिल मुझे उठाने दो। उन्हें कहा नहीं नहीं अटल जी, अरे बोले उठाने दो मुझे साइकिल, और अटल जी साइकिल उठा के लेके गए उस बोध के साथ, ये मुझे इतना देर तक मेरा वजन ढो रहा है साइकिल पे, कम से कम इतनी सेवा मैं कर सकता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। आज वो सज्जन जब भारतीय जनता पार्टी का नए कार्यालय में जाता है तो उसको पूछा जाता है आप कौन, किसको मिलना है, कैसे आए? उन्हें कहा मुझे कि मैं बनारस के पास एक गांव में शाखा लगाने का मुझे आदेश हुआ,
दो महीने तक वो अकेला जाते थे गार्डन में, वो जो ग्राउंड था गांव का, गांव के पास जो एक मैदान था गोचर वाला, वहां जाके झंडा गाड़ के अकेले ही भाषण देते थे, सामने हवा में बोलते थे और प्रार्थना करके निकल आते थे। लोग हंसते थे कि ये देखो एक पागल आज फिर आ गया, रोज पागल आता है। धीरे धीरे बच्चे आके बैठने लगे, इन बच्चों को इन्होंने कहानियां सुनानी शुरू कर दी, बच्चों ने कहानियां घर में सुनाई, लोग आने लगे और शाखा लगी। यह है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव डालने वाले लोग। आज वो कहाँ है? तब कहाँ थे अमित शाह? तब कहाँ थे नरेंद्र मोदी? मोदी तो चाय बेच रहे होंगे। तो कहने का मतलब है, आपने अपने वृद्ध जनों को, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते ना आशीष, उनको भी वृद्धाश्रम की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बेटे भी उनको अपने घर पे नहीं रखेंगे। आज भाजपा के वृद्ध जिन्होंने भाजपा को सींचा वो वृद्धाश्रम में है। दस बार इज्जत करके एक बार भारत रत्न देने से कोई इज्जत नहीं पाता। मैंने अडवाणी जी का संघर्ष देखा है और अडवाणी की होती हुई बेइज्जती देखी है। तो कई चीजें, तो यही कारण है कि लोग नहीं सुन रहे हैं। किसी भी चीज की अति होती तो नहीं सुना जाता। अक्सर हम लोग कहते हैं चर्चाओं में कि भाई विज्ञान भी कहता है, प्रत्यास्थता का नियम है कि इतना दबाओगे जब स्प्रिंग को भी एक हद से ज्यादा दबा दो तो टूट जाता है। एक उदाहरण सिर्फ इतना नहीं है, इसका चुनाव पर इम्पैक्ट क्या है भाव, इसको भी समझना होगा। चुनाव पर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, इसके इम्पैक्ट में दो तीन चीजें हैं भाव। एक तो मैंने राजस्थान में मैंने बातचीत की तो पता चला कि ये हम लोगों ने शुरू से देखा है, आपने और करीब से देखा होगा, भाजपा की उस जमाने की खूबी है, जिस जमाने में दो सीट चार सीट जीत जाए वही बहुत, तब भी ये खूबी थी कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है ये पर्ची चुनाव वाली जो होती है मतदान वाली पर्ची, ये पर्ची लेके घर घर जाया करते। और व्यक्तिगत रूप से हमने देखा है कि उसी से भाजपा में बहुत लोग जुड़े, क्योंकि जो भाजपा का ये संघ का खासकर संघ के लोग होते थे, ये जाते थे एक ही घर में मतदान से पहले तीन तीन बार पर्ची लेके चले जाते थे, अलग अलग तीन तीन चार चार का ग्रुप होता था, एक ग्रुप देके गया दो दिन बाद दूसरा ग्रुप आ गया उसने भी पकड़ा दिया। तो घर की महिलाएं क्या कहती थी, बहुत गर्मी है, इतने गर्मी वोट डालने जाना है, ये लाख मतलब देसी भाषा में लाख दई गवाह है, मतलब दे दिया पर्ची, ये बच्चा अच्छा है इसी कोट दे देना है। वो देखते नहीं थे भाजपा है क्या है, मतलब जिसने दिया भाजपा का लगता कमल का फूल वाला घर पे लाख पर्ची देता है, सीधा जाओ वोट डालो, देखो धूप में बचाने के लिए बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इससे लोग जुड़े। आज राजस्थान में जब मैंने बात किया तो पोलिंग कंप्लीट हो चुकी, वहां ऐसे लोग जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा, उन्होंने कहा कि पहला चुनाव ऐसा हुआ, और मेरी बात ये रिपीट की उन्होंने कि ऐसा होता रहा है, कहा पहला चुनाव हुआ जब घर पे पर्ची ही नहीं आई, अमित शाह की धमकी कहां गई, कि सोलप्पा को धमका रहे थे कर्नाटक में, धमकी कहां गई, येदुरप्पा के बेटे चुनौती दे रहे हैं। तो ये जो धमकी का इम्पैक्ट, इस धमकी का इम्पैक्ट को जरा सा बताइए, ये इम्पैक्ट कहां लेके जाएगा गलत में। धमकियां क्या दोगे आप, क्या कर लोगे आप, उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दोगे? तो वैसे भी वो राजनीतिक करियर देखते नहीं वर्तमान भाजपा में। आप जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है, जो भाजपा के लिए समर्पित रहे हैं, जिनकी चार चार पीढ़ियां भाजपा में खपी है, वो अभी लंबे छुट्टी पे गए हैं 2014 से, क्योंकि यहाँ व्हीलर डीलर दलालों का पैसों वालों का काम हो गया है। और भाजपा को लगता है कि हमको क्या जरूरत है इनकी, चुनाव जीतेंगे तो सरकार बनाएंगे, चुनाव हारेंगे तो सरकार तोड़ के बनाएंगे, खरीद लेंगे, ईडी सीबीआई से धमकी दिलवाएंगे। लेकिन जब समय आएगा तो क्या ये लोग साथ देंगे, जब संघर्ष का जगह होगी तब। आपके सेनानी जो अंतिम सांस तक लड़ने वाले थे वो तो बक गए, घर बैठ गए, और जिन गद्दारों के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हो, जब उन्होंने अपने आकाओं के साथ गद्दारी की तो आपसे करने में कितना टाइम लगेगा उनको, वो तो उगते सूरज को नमस्ते करने वाले लोग हैं। आज आपका सूरज ऊपर है, कल किसी और सूरज के उग जाएगा तो ये नमस्ते कर देंगे, तब भाजपा कहाँ जाएगी? राजनीतिक दल चुनाव आता है जाता है, राजनीतिक दल स्थायी रहता है, और राजनीतिक दल का स्थायित्व उसके कार्यकर्ताओं से होता है, नेताओं से नहीं।
और कार्यकर्ता ही घर बैठ गया। आप मुझे बताइए, आपने कर्नाटक का किस्सा सुनाया, आप तेलंगाना में हो नहीं, आप तेलंगाना में होना चाहिए था आपको, वेंकैया नायडू जैसे आदमी को आपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वहां पार्टी बनाई, लेकिन आपने लोकल लोगों को पूछा कहा। तेलंगाना में 11 की 11 सीटें यदि आप बाहर वालों को दे रहे हैं, 17 में से 11 सीटें दे रहे हैं, तो आपको बचेगा क्या, कौन काम करेगा? फिर आप आइए, और ये जरूरी नहीं जिस नेता आपके पास आए उसके साथ उसका कार्यकर्ता आ जाएगा। उसके बाद आप आइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इतना डाइल्यूशन कहीं नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में कई बीजेपी है, लोग पूछते कौन से बीजेपी में हो, एक ओरिजिनल बीजेपी है, उसमें दो फाड़ हो गए, एक मोदी निष्ठ बीजेपी, एक संघ निष्ठ बीजेपी, एक संघ को मानने वाली है, सिर्फ मोदी को मानने वाली, फिर एक कांग्रेस बीजेपी जो कांग्रेस से आए, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी जो एनसीपी से आए, फिर एक शिवसेना बीजेपी जो शिवसेना से आए, फिर राज ठाकरे की पार्टी मनसे से आए हुए लोग, वो मनसे की बीजेपी है। तो पांच पांच छह छह बीजेपियां जहां है, तो मुझे बीजेपी का हश्र आरपीआई जैसा लग रहा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की नेशनल पार्टी थी जिसका उत्तर प्रदेश में भी सांसद हुआ करते थे, आज महाराष्ट्र के हर जिले में अपने अपनी आरपीआई है। मतलब कल तुमने आरपीआई वानखड़े सुन लिया तो आश्चर्य नहीं होगा, बोला ये अशोक ये आरपीआई वानखड़े बड़ा और आरपीआई वानखड़े छोटा, ये क्या है? बोले वो बड़ी भाई की वानखड़े की पार्टी है और ये छोटे भाई वानखड़े की पार्टी है। ये बीजेपी का आश्रय हुआ है, इसीलिए मतदान भी कम हो रहा है। संघ को भी समझ में बात, संघ चालक ने कहा है, भागवत जी ने कहा है भोपाल में कि बाहर के लोगों को इच्छा आप अंदर ला रहे हैं कि क्या इससे पार्टी की विचारधारा बनी रहेगी? पार्टी को सिर्फ व्यापारी ही चाहिए, पार्टी को सिर्फ पैसा ही चाहिए, पार्टी को सिर्फ सत्ता ही चाहिए, तो फिर संगठन भूल जाइए। और एक समय बाद संगठन ही काम आता है। कांग्रेस का हश्र सिर्फ इसलिए हुआ कि कांग्रेस में व्यक्ति पूजा चली, बाहर के लोग आए, आदरणीय, मतलब क्या कहूं, अभी जब पिछली बार बात हुई राहुल जी से, तो राहुल जी ने भी कहा कि 1990 से हमने फोकस ही छोड़ दिया, सत्ता में रहना केंद्र में ये हमारा फोकस था, इसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते गए और संगठन हाशिए पे आ गया। संगठन में कोई विश्वास ही नहीं करता था भाई, बस कैसा भी करके इसके साथ जोड़ो उसके साथ जोड़ो, विचारधारा है नहीं है सब साथ ले लो। और फिर अब जब बुरे दिन आ गए तो सब लोग छोड़ के जा रहे, बोला आपको क्यों आश्चर्य होता है छोड़ के जा रहे, जिनकी विचारधारा कांग्रेस की नहीं थी, सत्ता के लिए आए थे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। जिन्होंने कांग्रेस में रह के आधा पैसा कमाया वो ईडी सीबीआई के डर से जाएंगे, आश्चर्य किस बात का? जहां जा रहे हैं वहां पे भी नहीं मिलेगा तो वापस दूसरी जगह चले जाएंगे। ये घुमांतु लोग है, ये घुमांतु कम्युनिटी है, इस खेत से उस खेत में, उस खेत से उस खेत में, पूरे भारत भर जो नोमैडिक ट्राइब्स जिसको हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी फौज तैयार की है और भाजपा ने उसको बहुत ज्यादा खाद पानी दिया है। यही कारण है आशीष, आप महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश में बात कर लीजिए आप, मध्य प्रदेश में अभी भी सिंधिया का ग्रुप एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, कई लोग आ गए आज भी उनको समझ में नहीं आ रहा किसका ढो कैसा ढो। आप राजस्थान में आ जाइए, राजस्थान में भी वही हालत है, राजस्थान में भी कहां पार्टी का कौन सुन रहा है, क्षेत्रीय क्षेत्रों को अलग कर दिया और पिग्मीज को जिनकी कोई औकात नहीं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उनको मंत्री बना बना के रखा है आपने। फिर प्रधानमंत्री ने बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के भरोसे सरकारें चलाना शुरू कर दी, तो ब्यूरोक्रेटी का क्या जाता है साहब, वो तो रिटायर्ड है, कल मंत्री पद जाएगा तो आराम से बैठे रहेंगे, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, ना उनको कहीं भाजपा से लेना देना है ना किसी चीज से, वो तो अपनी सैलरी अपना पेंशन लेके बैठ जिंदाबाद। कुल मिला करके जो जिस रास्ते पर जा रहे हैं साहेब यानी मोदी जी और स्वयंभू चाणक्य अमित शाह, कुल मिलाकर के अब ये कहना चाहिए इस चर्चा में जो समझ में आया कि ये 75 साल की उम्र पर लोगों को बीआरएस जबरन दे रहे हैं
ये अल्टीमेटली भाजपा को वीआरएस दिलवा दे और संगठन कोलैप्स होने के बाद नहीं आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि संगठन कोलैप्स नहीं हुआ, संगठन इनको वीआरएस नहीं दिलवा दे चुनाव के नतीजों में, संगठन करेक्शन करेगा। जो संगठन इनको बना सकता है वो संगठन बिगाड़ भी सकता है, जो संगठन जो संघ इनको सर पे बिठा सकता है वो संघ इनको पैरों की जूती के पास भी खड़ा कर सकता है। आपको लगता होगा कि मोदी की सरकार और मोदी की गारंटी जिन्होंने मोदी को बनाया वो तो माने कि ये मोदी की सरकार और मोदी की गारंटी है। चलिए ये संगठन अब देखते हैं, संगठन इन दोनों को इनके रास्ते पर ले जाता है, झोले के साथ विदा करता है, या ये जाते जाते भाजपा को दस बीस कहते हैं ना कि भाजपा 100 साल 50 साल जिएगी, 100-50 साल के लिए भाजपा को कोमा में डाल देते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि ये रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ हाँ आशीष जी, भाजपा में कई लोग अभी जिंदा है, उन लोगों को शीर्ष स्थान में आने में 2 मिनट लगेंगे। 4 तारीख के नतीजे यदि विपरीत आ गए तो वसुंधरा, रमन सिंह, शिवराज, येदुरप्पा, गडकरी, राजनाथ, योगी, सोनेवाल, आसाम, सुंदरदास, उड़ीसा, टाइम नहीं लगता, 15 मिनट के अंदर संगठन खड़ा होता है, क्योंकि ये अंगारों पे राख हुई है, राख आई है, राख। एक फूंक मारेगा कोई ये निखारा फिर जल उठेगा, वो आउट नहीं हुए हैं, टायर्ड करवा दिया आपने उनको, रिटायर्ड नहीं है इनमें से कोई। और आज भी मैं जितना ताई को जानता हूं, आज भी ताई यदि मध्य प्रदेश में निकल गई तो ताई का वजूद है, सुमित्रा महाजन का वजूद है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार से संबंध बनाए, अपने राजनीतिक ताकत से कभी नहीं। चलिए भाऊ, कुल मिला जुला करके ये राख हटाने का जिम्मा लग रहा है कार्यकर्ताओं ने ही ले लिया है, और जो शुरू में हमने कहा था कि भाजपा को भाजपा ही निपटाएंगे, अब उसमें आखिरी में मैं करेक्शन कर रहा हूं कि इन दो गुजरातियों को भाजपा ही निपटाएंगे, इन दो गुजरातियों को भाजपा ही निपटाएंगे, अब ये करेक्शन है, कोर्स करेक्शन है। मैं उसमें और ज्यादा करेक्शन कर देता हूँ आशीष जी, एक करेक्शन और, निपटना एक ही गुजराती को है, दूसरा तो निपटा निपटाया है। ये दर्शक समझ गए सब कहानी, दूसरा तो निपटा निपटाया है। कल दोपहर फिर मिलेंगे हम मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, नमस्कार। नमस्कार।